हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जैसे आपको पता है, 2024 में T20 वर्ल्ड कप के साथ साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप भी होंगे, जिसमें से 16 नेशन पार्टिसिपेट करेंगे। जो मुझे अंडर 19 वर्ल्ड कप इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें छोटी छोटी टीमें भी देखने को मिलता है, एंड अंडर 19 वर्ल्ड कप एक्सपोजर भी देते हैं छोटे टीम्स को बड़े लेवल पर जाने के लिए। पिछले साल जो हुआ था 2022 में, इस वर्ल्ड कप पे ना गाइस, अफगानिस्तान ने टॉप 4 फिनिश किया था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में टॉप 10 फिनिश भी किया था। तो यस, अंडर 19 वर्ल्ड कप छोटी टीम को बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर देते हैं। तो 2024 में भी अंडर 19 वर्ल्ड कप होंगे, बट इसके जो अगले एडिशन होंगे ना 2026 में अंडर 19 वर्ल्ड कप, इसमें हमें 24 नेशन पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिल सकते हैं, जो रिपोर्ट्स कहते हैं। अगर ये रिपोर्ट सही है, अगर 24 टीम्स अब अंडर 19 वर्ल्ड कप में देखने को मिलेगा ना, तो दिस इज मैं बोलना चाहता हूँ बहुत ही ग्रेट थिंग है। तो फर्स्ट देखो, मैं बोलना चाहता हूँ ये रिपोर्ट कितना सच हो सकता है। देखो, मुझे लगता है गाइस 100% मैं बोल सकता हूँ 24 टीम्स अगर ना हो ना गाइस, तो एटलीस्ट 20 टीम्स हमें देखने को ज़रूर मिलेगा अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप होंगे ना, इसमें हमें 20 टीम्स देखने को मिलेगा, एंड ICC ज़रूर चाहेगा कि छोटे से ही मतलब जूनियर लेवल से इम्प्रूव करे। तो ICC ज़रूर चाहेगा कि अंडर 19 लेवल पर भी टीम ज़्यादा हो, क्योंकि देखो जो T20 वर्ल्ड कप में भी पहले 16 टीम हुआ करता था, तो अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी 16 टीम ही हुआ करता था। अभी अगर 20 टीम्स होंगे ना T20 वर्ल्ड कप में, तो अंडर 19 वर्ल्ड कप को भी वो लोग चेंज ज़रूर करेंगे। मैं 100% श्योर हूँ 24 टीम्स अगर ना हो ना, 20 टीम्स हमें एटलीस्ट देखने को मिलेगा 2026 के अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए। तो हम बात करते हैं कैसे होंगे क्वालिफिकेशन, कैसे हो सकते हैं। सो मैं बोलना चाहता हूँ, दिस इज़ टोटली माय पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं जैसे देखता हूँ क्रिकेट को। दिस इज़ टोटली हाइपोथेटिकल एनालिसिस, अगर आपको पसंद है तो आप देख सकते हो और वीडियो को छोड़ सकते हो इधर भी। तो देखो, टोटल 24 टीम्स अगर होंगे ना, तो क्वालिफिकेशन थोड़ा तो देखो बहुत ही मेस्ड अप हो सकता है कि कैसे होंगे क्वालिफिकेशन, कौन सी टीमें देखने को मिलेगा। तो मैं जितना सोचता हूँ ना गाइस, 2024 के जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है, इसमें से जो 16 टीम पार्टिसिपेट करेंगे ना, टॉप 10 टीम को नेक्स्ट ईयर की अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्टली क्वालिफाई करवा दो। तो डायरेक्टली क्वालिफाई कर देंगे तो ये मुझे ज़्यादा सेंस बनाता है कि टॉप 10 टीम्स को डायरेक्टली क्वालिफाई करवा दो 2026 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए। देन जो टू होस्ट नेशन है, तो 2026 के जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है, वो होस्ट करेंगे जिम्बाब्वे एंड नामीबिया। तो दो होस्ट नेशन तो देखो ऐसे क्वालिफाई होंगे, एंड 10 टीम्स रैंकिंग वाइज क्वालिफाई होंगे। तो टोटल 12 टीम तो क्वालिफाई हो चुके हैं, देन बचता है 12 स्लॉट। यानी 12 स्लॉट के लिए ना गाइस, ग्लोबल क्वालिफायर इज द बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है। तो देखो कैसे स्लॉट को अलॉट करेंगे, तो मुझे लगता है गाइस, देखो एशिया से 4 स्लॉट देना चाहिए, यूरोप से 3 स्लॉट देना चाहिए, अफ्रीका बिकॉज होस्ट कर रहा है इस टूर्नामेंट को, तो अफ्रीका से ज़्यादा स्लॉट्स में डिजर्व नहीं करते हैं, तो अफ्रीका से ओनली 2 स्लॉट ही मुझे लगता है ठीक है। देन पैसिफिक से 1 स्लॉट एंड अमेरिका से 2 स्लॉट मुझे सेंस बनाता है। अगर हम बात करें क्या हो सकते हैं, कौन सी टीम की ज़्यादा चांसेस है 2026 की क्वालिफिकेशन के लिए, तो टॉप 10 टीम जैसे मैंने बताया कि 2024 की वर्ल्ड कप में जो टॉप 10 टीम फिनिश करेंगे, जो मुझे लगता है देखो, इंडिया टॉप 10 में फिनिश करेंगे, इंग्लैंड टॉप 10 में फिनिश करेंगे, ऑस्ट्रेलिया टॉप 10 में फिनिश करेंगे, न्यूजीलैंड टॉप 10 में फिनिश करेंगे, साउथ अफ्रीका टॉप 10 में फिनिश करेंगे, पाकिस्तान टॉप 10 में फिनिश करेंगे, अफगानिस्तान टॉप 10 में फिनिश करेंगे, बांग्लादेश टॉप 10 में फिनिश करेंगे, आयरलैंड टॉप 10 में फिनिश करेंगे, एंड वेस्ट इंडीज टॉप 10 में फिनिश करेंगे। तो ये 10 टीम्स तो डायरेक्टली क्वालिफाई कर लेंगे 2026 अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए। एंड जो दो होस्ट नेशन है जिम्बाब्वे एंड नामीबिया, वो दो होस्ट नेशन क्वालिफाई करेंगे। एंड एशिया से अगर बात करें, जो 60 स्लॉट की मैंने बात किया था, तो एशिया से मुझे प्रॉब्लम लगता है गाइस, UAE, श्रीलंका, ओमान एंड नेपाल, ये 4 टीम हो सकते हैं जो क्वालिफाई करेंगे एशिया से। तो एशिया से टोटल अगर मिला लें ना, तो एशिया से सबसे ज़्यादा टीम्स अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप में देखने को मिलेगा, 1/3 टीम एशिया से ही बिलोंग करेगा, मतलब 8 टीम्स एशिया रीजन से ही होगा। देन यूरोप की बात करें, तो यूरोप से जैसे मैंने बताया 3 स्लॉट है, तो 3 स्लॉट को ना, 3 स्लॉट के लिए ना गाइस, मुझे लगता है स्कॉटलैंड, नीदरलैंड्स एंड जर्सी क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर हम इसको देखें, यूरोप की बात करें ना गाइस, तो यूरोप से देखो पहले इंग्लैंड एंड आयरलैंड ने टॉप 10 रैंक की सभी क्वालिफाई किया था, एंड 3 टीम इधर से क्वालिफाई करेंगे। तो यूरोप से हमें टोटल 5 नेशन देखने को मिलेगा, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड एंड जर्सी। एंड बात करें अफ्रीका रीजन से, तो देखो अफ्रीका रीजन से भी टॉप 1 टीम क्वालिफाई किया है बिकॉज ऑफ देयर रैंकिंग की वजह से, जो है साउथ अफ्रीका।
देन दो होस्ट नेशन है जिम्बाब्वे, नामीबिया, दो टीम, तीन टीम तो क्वालिफाई कर चुके हैं एंड दो और टीम जो क्वालिफाई कर सकती है अफ्रीका रीजन से, मुझे जितना लगता है वो हो सकता है उगांडा एंड केनिया। तो अफ्रीका रीजन से भी सेमी फाइव नेशन क्वालिफाई करेंगे, तो टोटल हो चुके हैं 18 टीम एंड बाकी बचता है 6 टीम। तो एंड बात करते हैं पैसिफिक के बारे में। तो पैसिफिक से जैसे आपको बताया ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर चुके हैं, तो बाकी एक स्लॉट के लिए ना गाइस एक क्वालिफायर जो होंगे इसमें पीएनजी भी क्वालिफाई कर सकते हैं, जापान भी क्वालिफाई कर सकते हैं। पर रिसेंट परफॉर्मेंस अगर देखें ना गाइस तो जापान की परफॉर्मेंस अच्छा है, तो शायद ये टूर्नामेंट पर ना जापान क्वालिफाई कर ले। देन बारी आते हैं अमेरिका की। तो देखो अमेरिका से ओनली एक ही नेशन क्वालिफाई किया है टॉप 10 रैंकिंग के हिसाब से, जो है वेस्ट इंडीज। एंड और भी दो नेशन इधर से क्वालिफाई करेंगे जो मुझे लगता है कनाडा एंड यूएस है। तो टोटल 3 नेशन अमेरिका रीजन से भी हो चुका है, टोटल 24 नेशन हमें देखने को मिलेगा। अगर आईसीसी ऐसा चाहता है तो ऐसा बिल्कुल कर सकता है। एंड अगर आईसीसी एक स्लॉट को मानो कम कर दे अफ्रीका रीजन से, अफ्रीका रीजन से वैसे भी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया हो चुका है, देन उगांडा भी हो चुका है ना गाइस। तो अफ्रीका रीजन से एक स्लॉट को कम करके साउथ अमेरिका में एक स्लॉट को दे सकते हैं, अर्जेंटीना, ब्राजील जैसे कंट्री है जिधर रहते हैं, तो इधर एक स्लॉट दे सकते हैं आईसीसी। तो ऐसा कुछ सीनरी हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबल चांस है 24 टीम्स होंगे ना, तो डेट टू हमें सेम जितना मैंने बताया ना वैसे 100% मैच करेगा। अगर 20 टीम्स का टूर्नामेंट हो, डेट टू सा सेम सा टूर्नामेंट रखो जैसे 2024 में जैसे वर्ल्ड कप में होंगे ना, सेम टूर्नामेंट रखो विद नॉकआउट्स, सुपर 8 को मत रखो, नॉकआउट के साथ सेम सा फॉर्मेट रखो। अगर 24 टीम्स होंगे तो कैसे हो सकते हैं? तो देखो पहले मैच आता होगा इस 4 टीम करके 6 ग्रुप बने, देन टॉप 2 टीम्स फॉर ईच ग्रुप क्वालिफाई कर लेंगे सुपर 12 के लिए। सुपर 12 भी कर सकते हो, 2-6-6 टीम करके सुपर 12, देन सेमीफाइनल, देन फाइनल, ऐसा भी हो सकता है। अदरवाइज डायरेक्ट नॉकआउट भी हो सकते हैं जैसा आईसीसी चाहते हैं, पर आई थिंक दिस इज क्वाइट बिट अ सेम रहने वाला है जितना मुझे लगता है। एंड यस मैं एक्साइटेड हूँ 2026 के अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए भी, क्योंकि आईसीसी रियली अभी कुछ करने जा रहा है। एंड हाल ही में एक रिपोर्ट भी आया है कि जो 2028 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होंगे T20 वाला, तो इसमें हमें शायद ज़्यादा टीम्स देखने को मिल सकते हैं, 24 या फिर 28 टीम्स हमें देखने को मिल सकता है उस वर्ल्ड कप के में। तो इसके बारे में हम अदर कोई वीडियो में डिस्कस कर देंगे। तो यस आईसीसी अभी कुछ कर रहा है एंड जिससे मैं बहुत ही खुश हूँ। एंड ऑल्सो आईसीसी ने लोगो भी लॉन्च किया है, मैं बहुत ही खुश हूँ न्यू लोगो से। बट डर तो एक ही बात का है कि एवरी ईयर की वर्ल्ड कप में सेम लोगो फिर से यूज़ ना करते 2026-2028 में। न्यू लोगो होना चाहिए हर एक वर्ल्ड कप में जितना मुझे लगता है। तो ऑन दैट नोट वीडियो कैसा लगा आपको एंड कमेंट में बताना। तो मिलते हैं फ्यूचर के एक और वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे गाइस, थैंक यू, बाय।